छात्रों, आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 के बारे में। अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था संख्याओं के आरोही क्रम अवरोही क्रम, संख्याओं का विस्तारित रूप, और आज अपने को प्रश्नावली के क्वेश्चन हल करने हैं। प्रश्नावली 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक करोड़, वापिस एक करोड़, ये देना मिलियन है। एक लाख की वैल्यू 10,000 के अंदर बतानी है। एक लाख की जो वैल्यू है वो 10,000 के अंदर बतानी है, तो अगर 10,000 को तुम ऐड करो तो 1,00,000 के बराबर होता हो। फिर एक मिलियन को अपने को बताना है 100,000 के रूप में। एक मिलियन का मतलब होता है 10,00,000, और 100,000 को तुम काउंट करो तो 1,000,000 के बराबर आता हो। फिर देर का एक करोड़ को 10,00,000 के अंदर काउंट करना है। इन 10 लाख को अगर अपन काउंट करते हैं तो 1 करोड़ के बराबर होता है। फिर एक करोड़ को मिलियन के अंदर बताना है तो वो 10 मिलियन के बराबर होते हैं, यानी 1 मिलियन बराबर 10,00,000 होता है। 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं, और वापस 1 मिलियन = 10,00,000। 1,00,000 की वैल्यू होती है 10,000 के बराबर। 1 मिलियन 100,000 के बराबर होता है। फिर एक करोड़ की वैल्यू होती है 10 लाख के बराबर, और 1 करोड़ 10 मिलियन के बराबर, और 1 मिलियन 10 लाख के बराबर। इसका सेकंड क्वेश्चन देखा आपने को, उसके अंदर सही स्थानों पर अल्पविराम लिखिए तथा संख्याओं को अंकों में लिखना है। जो अपने को हिंदी रूप में देगा उसको अंकों में लिखना संख्याओं को। सेकेंड क्वेश्चन, सही स्थान पर सही स्थानों पर अल्प विराम लगाइए। अल्प विराम लगाते हुए संख्या को ले लीजिए। इसमें जो संख्याएं दे रही हो हिंदी में दे रही हो, अपने को इसको गणितीय अंकों में लिखना है, और इनके अंदर अपने को कोमा का प्रयोग करना, अल्प विराम लगाना। वो कहाँ कहाँ लगता है? 73 लाख, 73 लाख, 75,000, 75,000, 360, 73 लाख, यानी ये 73 लाख। इसके बाद देखा 75,000, 375, उसके बाद 360, ये 360। अब इसमें जो अपन अल्पविराम का चिन्ह का जो प्रयोग करते हैं, स्टार्टिंग की तीन संख्याओं के बाद करते हैं, सैकड़े के बाद करते हैं, तो यहाँ पर कोमा लगा देंगे। फिर उसके बाद जो आगे वाली संख्या होती है दो दो अंकों के बाद अपन अल्पविराम का प्रयोग करते हैं, तो 73,75,307, 73,75,307। फिर इसका बी पार्ट है 9 करोड़ 5 लाख
ये संख्या मैंने लिखी है 9,05,41,000। इसका ये 2,500,000, 10,000,000, 10,00,000 और करोड़, 9,05,41,000 लिखने हैं, ये लिख दिए। उसके बाद अल्पविराम का प्रयोग करना है, अष्टाध्यायी की तीन संख्याओं को छोड़कर अल्पविराम का प्रयोग करेंगे। तो इकाई, ढाई और सैकड़े के बाद अल्पविराम का प्रयोग, फिर दो संख्याएं छोड़कर अल्पविराम का प्रयोग, फिर दो संख्याएं छोड़कर अल्पविराम का प्रयोग। फिर आगे वाला सी, सी में देखा 7,52,00,000 7,52,21,302। ये 7,52,21,302 स्टार्टिंग की तीन संख्याओं के बाद अल्पविराम, फिर दो, फिर दो, फिर लास्ट में एक खत्म नहीं किया गया। डी वाला इसका1,52,000,202। अगर इसको अपन पढ़ते हैं अपने हिंदी लैंग्वेज में, अपने संख्या पद्धति में, इनको अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में, तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,00,000, 10,00,000, करोड़, 5,23,23,202। पर ये जो मिलियन देगा ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अंदर देगा। तो इसने पूछा 58,423,000, 423,000, फिर 202। उसके बाद ई वाला देखा है वो 23,000, 23,00,000, 23,00,000, 30,000। ये 23,30,010 और इसमें अल्पविराम का प्रयोग करना, तो ये अपने संख्याओं के आगे अल्पविराम का प्रयोग। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। स्थान पर अल्पविराम लगाना है और भारतीय संख्यांकन पद्धति में लगाना है। ए दे रखा है इसमें 8,7,59,59,57,60। अगर अल्पविराम का प्रयोग करें तीन संख्या के बाद, इकाई, दाई, सैकड़े के बाद, फिर दो संख्याओं के बाद, यानी 1,000 और 10,000, फिर दो संख्याओं के बाद। अब इसको पढ़ते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, 1,000, 10,000, 10,00,000, करोड़, 8,00,000,000, हिंदी में लिखना इसको 8,00,00,000, 75,00,000,
पचहत्तर लाख 8,75,00,000 95,000 762 8,75,00,000 फिर बी वाला देखा इसका 854 फिर 628 स्टार्टिंग की तीन संख्याओं के बाद कोमा, फिर दो संख्याओं के बाद कोमा। तो इसको अपन पढ़ेंगे इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,00,000 10,00,000 86,46,000 तीन संख्या जोड़कर अपन इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,00,000 10,00,000 9,99,00,000 उसके बाद भी देखा है 287,000 ये तीन संख्या के बाद फिर दो संख्या के बाद और लास्ट है 9,84,32,701 971,000
बारानवे, 78,921,092। फिर इसके बाद 745, 22 और 82, इसको अपन लिखेंगे तो तीन संख्या छोड़कर अल्पविराम, फिर दो संख्या छोड़कर, फिर एक संख्या छोड़कर, तो यहाँ अपन इसको लगाएंगे तो ऐसा लगेगा अल्पविराम। अब इसको बढ़ना इकाई, इकाई सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख और 10 लाख। तो अपन इसको लिखेंगे 7,452,282, 7,452,482। फिर सी है इसका 9,851,002। इसके बाद स्टार्टिंग में तीन संख्याओं के बाद कॉमा लगानी है, फिर दो, फिर दो, फिर एक। अब इसको अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखना है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, 10 लाख और करोड़। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 99,985,102, 99,985,102, 99,985,102। और लास्ट है इसका डी, 488,93। स्टार्टिंग में अपन तीन संख्या छोड़कर अल्पविराम, फिर दो, फिर एक। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये तीन संख्या की हजार पढ़ना है, 50,000,000। बच्चों, तो आज अपन ने पढ़ा प्रश्नावली 1.1 के बारे में, कल इसकी अपन जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके प्रश्नावली 1.2 के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।